हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। और अभी हम जा रहे थे कुछ काम से। वैसे तो एक काम ये भी था, ये ब्लैंकेट रखा है और ठंडी आ रही है तो इसको वॉश कराना था। तो बहुत हैवी है, ये खुद से तो होता नहीं, तो इसलिए इसको वॉश कराना था। और ये लड़की मोर के पंख ढूंढ रही है, ये देखिए आप कितने मिले। ये देखो बहुत सारे मोर हैं यहाँ पे तो इस कैंपस में। अभी और भी मिलेंगे। हो गया, ये वीडियो बनवा रही हूँ बट इनको पता नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कैसे इसमें किसमें फिल्टर चाहिए। जा रहे भी हम ग्राउंड पे, रेडी हो गए हैं। और ध्यान से देखिए आप इस बिल्ले को भाई गोलू, कहीं अटैक ना कर दे मेरे पे। डर नहीं रही है ये तो बिल्कुल भी, सॉरी डर नहीं रहा है। हम छुट्टी गए थे। कैसे हो मैडम? हम छुट्टी गए थे, ये लड़की 5 दिन की रोटी रखी थी इसने फ्रिज में, पता नहीं कितने दिन का चावल दाल और पूरा किचन ऐसे ही था ना। आय है, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, ये ब्लॉग है। सो गाइस, फाइनली अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड पे और हमारा एक टूर्नामेंट भी है कल, तो हमें मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा वहाँ के लिए। अभी हमें ग्राउंड से वापस भेज दिया जल्दी और हम अभी अपना पैकिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया, गोलू बैठी है इसको इसको पता नहीं जाना है कि नहीं जाना है, सुबह निकलना है हमें, तो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। फाइनली हम स्टेशन पर पहुंच गए और जा रहे हैं टूर्नामेंट खेलने। पास में ही है, ज़्यादा पास भी नहीं है वैसे तो, 6-7 घंटे का रास्ता है। एंड टीम भी है हमारी पीछे, सो अभी 20 मिनट बाद हमारी ट्रेन आएगी। सो अभी जा रहे हैं हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म में 2 घंटे हमारी ट्रेन आएगी। आते ही चाय पीने लगे, और बल्कि पी कर आए थे, मैंने बना कर दिया था इनको स्पेशली चाय। और ध्यान से देखो ये चाय के इतने बड़े भुक्खड़ है ना, पिलाया इनको पहले तो 54 टाइम निकलता है और हम एकदम फ्रेश है, नींद नहीं आते। हाँ, अब हम सो भी गए थे, वैसे जल्दी सो गए थे, हमने 7 बजे खाना खा लिया था सबने, 7:30 बजे हम बेड पे लेट गए थे, है ना। और इस लड़की को जुखाम हो रहा है इसलिए ये चाय पी रही है। चाय पिलाया, चाय भर के भी रखा 1 लीटर, और अभी ये आकर यहाँ से पी रहे चाय बनवा के, और इनको पूरा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी स्टेशन पे है अजमेर। फाइनली हम पहुँच गए, कौन सा स्टेशन है ये? महावीर जी, श्री महावीर जी, महावीर जी पे आ गए। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारी टीमें आई हुई थी, पूरा स्टेशन भरा था, पूरी ट्रेन भरी थी, उसी ट्रेन में सारी टीमें थी। तो अभी जहाँ पे हमारा रुकने का वहाँ पे जा रहे हैं हम, फिर देखते हैं आगे का क्या शेड्यूल होता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी बट अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। हमारी गाड़ी आ गई और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा मैच है, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बाहर दिखाओ बाहर बाहर पीछे अच्छा लगता, बाकी भी सारे पीछे बैठे हुए हैं। हमें रूम मिल गया है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, चलें। और अभी हम बात लेने जा रहे हैं, उसके बाद लंच करेंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर इवनिंग में हमारी ओपनिंग भी है, मैचेज भी है। सो अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या है, बैड मॉर्निंग। जा रहे हम चाय पीने, वैसे तो ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने बट क्या कर लिया था, मतलब पकौड़ी मिली खा ली, हमने तो नहीं खाई, मैंने तो नहीं खाई 4 पकौड़ी,
एक खाई थी मैंने, वो भी पता नहीं किसकी थी, मुझे नहीं पता। देखो लेडीज इधर, अभी जा रहे हम फोटोकॉपी कराने आधार कार्ड की, और चाय पी कर आएंगे, और मुझे शैम्पू लेकर आना है, हेयर वॉश करना है। हम लेकर नहीं आए थे, बहुत ज्यादा सामान हो रहा था। गोलू की तबीयत खराब है, उसको कोल्ड कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा, ये चाय पीने नहीं आ रही थी, जबरदस्ती लेकर आई हूँ मैं इसको। ये टूरिस्ट प्लेस है, कौन सी जगह? ये श्री महावीर जी, ये हमारे अंकल। हेलो करो, ये हमें चाय पिला रहे हैं और अभी दूध पैक करके देंगे हमें, और बहुत कॉमेडियन है ये, बहुत मजा आ रहा है। हम बहुत देर से यहीं पेन की दुकान पे हंसाए जा रहे हैं, अंकल हंसे जा रहे हैं, देखो अंकल कुछ कह दो इसमें। अंकल यही आप ही लोग जीते को है, अभी है हमारा मैच है यार। अंकल मरवा मैच जीतो तो कह रहे हैं ये क्या है? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके श्री महावीर जी? बस महावीर जी वाली फीलिंग आ रही है। मंदिर है बहुत सारे, टूरिस्ट भी आए हुए हैं बहुत सारे, बहुत ज्यादा भीड़ भी है यहाँ पे। भैया शरीफा है, ये हमारी टीम मेट्स से। हेलो, इधर देखना पागल, ठीक है तुम लोग जाओ। धूप ऐसी है ना, जा रहे खाना खाने, अभी टाइम हो रहा है 12:30। सुबह शाम मौसम तो बहुत अच्छा है, बट दोपहर में ना बिल्कुल भी निकलने लायक नहीं है, धूप में तो इतनी ज्यादा गर्मी है। तो अभी हमारा खाने का टाइम हो गया, जा रहे खाना खा कर आएंगे, फिर मैच भी है इवनिंग में। आज हम उम्मीद लगा के जा रहे हैं कि पनीर मिलेगा, वरना हम खाने नहीं आ रहे थे। राइट, और बाहर जाने का मन नहीं है धूप की वजह से। सो देखते हैं क्या मिलता है। ये है क्या है? गोभी, गोभी की सब्जी, और ये कढ़ी। ये कढ़ी है, पनीर नहीं मिला। वैसे तो मैं बस खा रही हूँ चावल और कढ़ी, मुझे रोटी नहीं खाना था। ये स्पेशल है, खत्म हो गया, भैया को दिखाओ इन्होंने बनाया। स्पेशल टिक्की है ये, श्री महावीर जी की। ये महावीर जी की टिक्की है। गप्पे खा रहे थे तब, 8 गोल गप्पे खाए मैंने, और कल कम से कम 15 गोल गप्पे खाए थे, छोटे छोटे। वैसे मैं खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है, बट यहाँ पे आके ये लोग खाते हैं सारे, तो मैं भी खा लेती हूँ, दिल है कि मानता नहीं। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं जैन मंदिर। जैन मंदिर ही तो है, जैन मंदिर है, टूरिस्ट प्लेस है वैसे तो श्री महावीर जी। तो अभी हमारा मैच ख़त्म हो गया और जा रहे हैं हम मंदिर घूम कर आएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धूप है, और बाहर निकलते ही ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी प्लेस है, जिस जिसका मन करता है सब लोग घूमने आ जाओ, ठीक है। सो गाइस चलिए मंदिर चलते हैं अभी। ये है महावीर जी का रास्ता, और आगे मंदिर है। वैसे एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता मंदिर कहाँ पे है, तो आगे पूछती हूँ, और बहुत ज़्यादा धूप भी है। ये मंदिर आ गया, नो मास्क नो एंट्री। ये देखो आप, ये मंदिर है। सो गाइस अभी दर्शन कर लेते हैं हम, आओ आपको भी कैमरे में कैप्चर कर लूँ। बिल्कुल, मेरे बिना कैमरा अधूरा है ये। ये मंदिर बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ये मंदिर, ये मंदिर का मेन एंट्रेंस इधर से है। अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी बड़ा है और काफी ब्यूटीफुल है। ये मंकी, थक गए मंदिर में, दर्शन तो कर लिया हमने, बट अभी धूप की वजह से आँख नहीं खुल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सभी। अच्छा, हाँ काफ़ी अच्छा है, तो जाकर अभी जूस वगैरह पियेंगे हम। वैसे यहाँ की हिस्ट्री भी पता करते हैं, वो बोल रहे थे ना कुछ पता नहीं क्या भगवान ने उतार लिया था, कुछ तो है इस टाइप का, तो वो भी पूछेंगे हम, पता करेंगे यहाँ के बारे में। भगवान जी निकले थे, हाँ ऐसा कुछ था, तो अभी वहाँ पर जाएंगे एक बार उस प्लेस पर, फिर जूस पियेंगे, और फिर जाकर अपना पैकिंग वगैरह करके फिर हमारी ट्रेन है। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 11:45, मतलब 12 बजने वाले हैं, तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 2 बजे की ट्रेन है, तो 2 बजे निकलना है हमें।
साढ़े तीन पौने तीन बजे की ट्रेन है। सो गाइस चलिए चलते हैं अभी। ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान जी निकले थे। गाय आई थी फिर गाय से उन्होंने जाते तो पता लगे हो ऐसे गैया दूध घर पे देती नहीं। हाँ। ये बता रही है स्टोरी यहाँ की। गैया आती और नहाई दूध पूरा निकल जाता अपने आप ही लेकर जाता। जब बाबा ने और जो आए के गैया दूध नहीं देती डेली के डेली। ये डॉगी देखो, ये डॉगी देखो चोट लगी है क्या? दूध तो नहा निकल जाओ तो घर का ही ये देगी। मुझे वैसे समझ में कम आ रहा है कि ये राजस्थानी में बात कर रहे हैं। ये पी लेते थे वो सारा दूध। हाँ बाबा पी लेते। अच्छा बाबा पी लेते थे। हाँ बाबा पी लेते दूध, इसलिए वो घर पे दूध नहीं देते। ऐसे ऐसे काटते नहीं दूध को। हाँ, दूध अपने आप ही निकल जाता। निकालते नहीं। हाँ, जब ग्वाला अपने आप ही निकल जाता था ये पीते थे। हाँ, तो घर पे वो दूध नहीं देती थी। अच्छा। फिर बाबा आए के मैं देखूं तो सही गैया के दूध को काट ले। हाँ। आए तो दूध अपने आप लेके रहा टीला फैलाया। हाँ। फिर खोदने लगे। हाँ। महावीर बाबा लेके महावीर बाबा तो अच्छी स्टोरी मजा आ रहा है काफी सुनने में। अच्छा तभी मैं एक बार पूरी नॉलेज ले लेती हूँ यहाँ के बारे में फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मंदिर से बाहर आ गया हम। इतनी ज्यादा गर्मी ये रहा मंदिर पीछे दिख रहा है आपको। और ये जूस की दुकान है तो अभी जूस पियेंगे ठंडा ठंडा सा। मम्मी बहुत दर्द हो। अच्छा सा जूस बना दो। कौन सा पीना है आपको? मौसमी। मैं भी ये गिर गया। एक गिलास तो पी गया बट अभी उसमें मन नहीं भरा तो अभी एक गिलास और बनवा रहे हैं। अंदर आ गया फाइनली। कपड़े डाल रखे थे सूखने के लिए तो उसको उतार लेते हैं। हम पैकिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अभी 12:15 हो रहा है। उसके बाद 2 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी। 2 बजे निकलना है हमें। हाँ एक बार ना इसको उलट देते हैं सूख जाएगा जल्दी। सो अभी हम जा रहे हैं वापस अजमेर। हमारा टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। ये हमने ट्रॉफी भी ले ली अपनी और बस अभी हमारी ट्रेन है। सो बाकी सारे आगे चले गए हैं। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए ना। नींद पूरी नहीं हुई सुबह भी जल्दी में ऐसा हमारा तोड़ गए थे। सो गाइस फिर चलते हैं अभी ट्रेन के साइड। ओके बाय बाय।